जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं ना लाइफ में, तो यहाँ भी किसी के थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा देखने में गंदा भी लगने वाला है, बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे क्योंकि इंटरेस्टिंग सा हो गया है। अब लगता है उसकी तरफ देखेगी ना तो उसकी तरफ देखते ही ना हंसी पहले आएगी, फिर उसके बाद सूरी सुनी जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज भाई मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं ना लाइफ में, तो यहाँ भी किसी के थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा देखने में गंदा भी लगने वाला है, बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे क्योंकि इंटरेस्टिंग सा हो गया है। अब लगता है उसकी तरफ देखेगी ना तो उसकी तरफ देखते ही ना हंसी पहले आएगी, फिर उसके बाद सूरी सुनी जाएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। अभी कुछ हो गया है। एंजल इधर आओ, ऊपर चढ़ो, बेड पे चढ़ो, दूध भाई दूध पी लो। ये हमारी एंजल एंजल के टूट गए दांत। तो अब इसको जब भी मैं देखूंगा पहले पहले मेरी हंसी आएगी, फिर मैं इससे बात करूंगा, है ना? पहले मुझे हंसी आएगी अब नहीं आएंगे दांत, अब नहीं आएंगे। फूंक मारो, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो दुनिया ऐसे फूंक मारती, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। आरियर भूख, अब सिटी मारो, अब जब स्कूल जाओगे तो फिर कैसा लगेगा आपको? हाँ गाइस, इसकी सारी दुकान खुलने वाली है अभी। अब गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे पे ज्यादा मैं इतनी गंदी लग रही है तो मामा माफ कर देना प्लीज। मुझे माफ कर दो हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है एंजल अपनी आई है टीत आपकी, सच्ची में पूरी पूरी जिंदगी बुढ़िया भी हो जाओगे ना, ऐसे ही रहोगे। हेलो भी ना आ रहा ना, बढ़िया काम करेंगे डराने में, डराने के लिए नहीं हंसाने के लिए। हेलो भी नहीं बनाएंगे। गाइस डरना मत तो गाइस, फर्स्ट टाइम हम हेलोवीन सेलिब्रेट करेंगे घर में। हेलोवीन आ रहा है, इसका पता नहीं क्यों फेवरेट है ये। बार बार थी इसको, सिर्फ बचपन से ही इसको अच्छा लगता है। तो ये हेलोवीन, इसको इसको रेडी करेंगे हेलोवीन के लिए। मैं डायन बन गई, विच 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 भैया हमको गोदी उठा दो जी। विच भैया नहीं होता, विच अंकल ही होती है। विच आंटी जी हमको गोदी उठा दो। आप बीच में ना, मैं ट्रैक लो बनाऊंगा। आप तो बोल जाना ज़ॉम्बी नहीं, उसमें ज़ॉम्बी नहीं बनते उसमें। गाइस ज़ॉम्बी मोटे होते हैं ना, ज़ॉम्बी मोटे होते हैं ना, इनको बोल लो ना ये ज़ॉम्बी बन जाए। मैं मोटा हूँ? बड़े गंदे बच्चे हो आप तो। तो गाइज अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ ए टू जेड पाउट करती है ये। ए फोर, ए बी सी सुनवाता हूँ मैं आज आपको। ए फोर एक्टिंग नहीं ए फोर ए फोर
जल्दी बोलो, जल्दी बता दो। ए फॉर ए फॉर बी फॉर सी फॉर सी फॉर डी फॉर अम्मा। अच्छा ई फॉर एफ फॉर एफ फॉर एफ फॉर एफ फॉर ए फॉर। तो भाई इसकी ऐसी ए बी सी डी है कि सारे इसके लेटर्स ए से होते हैं और सारे ही एप्पल होते हैं। ये नई इंग्लिश की टीचर बनेगी, थोड़ा सा ये चेंजेस लाएगी, अमेंडमेंट लेके आएगी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सारे लेटर ए होते हैं और सबका ही लेटर का साउंड तो ए ही होता है, बट उनका मीनिंग भी एप्पल ही होता है ना भाई। ये है फ्यूचर इंग्लिश टीचर, है ना। मम्मा।